अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आपको आपका आवाज आ रही है। चले सर, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा था यार, स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन बेटा रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन। कितने यूनिट्स बेच के ब्रेक इवन होगा? कल वाली बातें करनी सही है, रिफ्रेश कर लीजिएगा प्लीज। अब अगर बेटा एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो देन इनिशियली पहले कैलकुलेट होगा ब्रेक इवन बैचेस, पहले कैलकुलेट होंगे ब्रेक इवन बैचेस और फिर सेल्स मिक्स की बेस पे आप ब्रेक इवन यूनिट्स तक आएंगे। मसल मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जरा एक मिनट जरा रिवाइज करके मैं कल आगे जो करवाना है आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा याद करा दूं। देखिए एक सेल मिक्स दिया बता मैं एक्स और वाई का, कल क्वालिटी ऑफ डिस्कशन थी लेकिन सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, फिर कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाल के फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करके बैचेस आए और फिर बैचेस से हमने इनटू थ्री करके बैचेस इनटू थ्री एंड इनटू वन करके यूनिट्स फाइंड आउट किए। और वंस यूनिट्स फाइंड आउट अगर हो जाए तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइसेस पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, फिर हम ब्रेक इवन रुपीज तक पहुंचे। और अगर डायरेक्टली निकालना चाहें तो फिर सी एस रेशियो पर बैच कैलकुलेट होगी विच एज अ फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच। तो काइंडली प्लीज सब कुछ सही रिवाइज करना, हमें साथ वर्किंग करना। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं लेकिन पहले निकलेंगे बैचेस और फिर यूनिट्स, तो एक सीक्वेंस है इसको जरा जहन में सेट करना। अब सबसे पहले हमें चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, हेल्प करें जरा मेरी काइंडली, टोटल फिक्स कॉस्ट डाटा देखें क्या मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन या दोनों? ये सारी फिक्स कॉस्ट मींस प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके लिए बेटा नीचे हाफ पेज रखना है इस फॉर्मूला जो मेरे ख्याल आपने लिख लिया था, बल्कि पूरा पेज रखना है, नीचे सेकेंडरी रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आके जरा वर्किंग वन खुला खुला साफ सुथरा समझ के लिखें टोटल फिक्स कॉस्ट। तो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट दी हुई है 133,000,230, फिलहाल अभी मेरा ख्याल रुपीज में ही करें बात, कॉन्सेप्ट जरा समझ लें फिर डेफिनेटली थाउजेंड्स में करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है शायद, लेकिन फिलहाल बहरहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्रोडक्शन एंड देन सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिन सेलिंग 71,270,400, एक सम कर लें इसका टोटल 20,450,400, ठीक है दीक्षा मैं खाली ठीक बता रहा हूँ 133.23 million एंड प्लस 71,270.4 million, तो 20,450,400 जी। जैसे जैसे फिगर्स आती जाए उनको प्लेस करके वापस जाते जाए 20,450,400 डिवाइड बाय माय डियर कंट्रीब्यूशन पर बैच। आई वर्किंग नंबर टू क्या ये बड़ा साथ है सारे, ये सारी वर्किंग ना सुननी है मेरी, मेरे साथ थोड़ा सा इसका सीक्वेंस एक मेंटेन करना होता है तो पहले कंसंट्रेशन से मेरे साथ रिवाइज करना। कटे सारे वर्किंग शुरू करो।
जी सर, कंट्रीब्यूशन पर बैच कल वाला जरा डाटा देखें। कंट्रीब्यूशन पर बैच 84 आई थी, लेकिन 84 तक पहुंचे कैसे थे? पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आई थी और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल मिक्स से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां जो डेटा कल अवेलेबल था, इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी अवेलेबल थी। हमने सिंपली 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, एक पैकेट 4 यूनिट्स का, 25 इंटू 3 और प्लस 9 इंटू 1 करके कंट्रीब्यूशन पर बैच बना ली थी। चाहिए क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिर मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स 3, 1 इंटू 3 और प्लस 9 इंटू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब क्या ढूंढना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन पर बैच तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है मेरे बर्ड्स, एग्रीड? रिस्पॉन्ड कर देना सर सर काइंडली, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो साथ ही बता दें। कंफ्यूजन तो नहीं? पहले क्या निकलेगा फिर क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगी और फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन पर बैच। तो लिखे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब डेटा अवेलेबल है तो इंशाल्लाह हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन दिस केस? W, X एंड Y। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारे आएंगे। अब डाटा ढूंढे कर लीजिए। सेल प्राइस पर यूनिट सेल प्राइस पर यूनिट एंड में देखिएगा रिक्वायरमेंट्स ऊपर 12,800, 6,000 एंड 3,600। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख के थोड़ा डिफाइन कर लें। वैसे तो मेरा ख्याल है आपको ये बातें कुछ पता चल गई हैं, लेकिन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आने इकट्ठा भी करके टोटल करके भी लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, अब इसमें फिक्स सॉरी वेरिएबल सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं है। ऑफ कोर्स अगर बोलते तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आनी, फिगर्स रिस्पेक्टिवली आर। आप सॉल्व करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंचा था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 10240। मेरी फिगर देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक लगी थी तो बताइएगा। 4080 मैं देख के लिखता हूँ, 2048। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टू फाइव सिक्स जीरो
स्पीड अप हो जाए सर। 1920 एंड 1552। ठीक है डियर। जब कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, करंट को एन लिख दीजिएगा। इंट्रो डिवाइस करें सर, कहाँ से शुरू किए? अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो सर हैं, नहीं अगर जी सर जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आ गई है तो अब ये फिगर जो है हमारी इन फिगर्स के इक्वलेंट है। ये 25 और 9 समथिंग आ गया, 25 और 9 एंड 25, ठीक है, पर यूनिट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या करूंगा, अब इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर बैच बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव सेल मिक्स करूंगा, ठीक है। सही सेटिंग करनी है इनमें, चीजों का काफी कॉम्प्लेक्स हो जाना तो बड़ा सेल मिक्स कैंडिडेट ढूंढे। What is the sale mix given in this question? 1, 3 and 4 means to say 2, 5, 6, 0 multiplied by 1 plus 1, 9, 2, 0 multiplied by 3 and plus 1, 5, 2 multiplied by 4. Okay? Okay, sir. 2, 5, 6, 0 multiplied by 1 plus 1, 9, 2, 0 multiplied by 3 and plus 1552 multiplied by 4. It means अगर 8 units का एक packet होगा, in this case 8 units का एक group होगा, एक batch होगा, और उसमें अगर W, X और Y के 1, 3 और 4 respective units होंगे तो one batch will contribute 1,4,5 to 8 रुपीस पर बैच। मेरी वर्ड समझ आया सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, मेरा रहने दें, अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज ठीक है ओके। ऐसे बार बार आपको तंग भी करना मुनासिब नहीं है जी। अली रजा ओके, अली रजा आप नोट कर रहे थे यार जी डी। वंस दीज आर बैचेस आर अवेलेबल, अब क्या करें, वापस ऊपर आए जहां पे हमें वर्किंग में जरूरत थी। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर बैच नाउ? 1,4,5 to 8, तो 1,4,5 to 8 इज इक्वल टू, बताएं आंसर, राउंड ऑफ करना पड़ना थोड़ा, मेरे ख्याल राउंड फिगर नहीं है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच 14076, ये आया क्या है? ठीक है आंसर तो बड़ा आगे है, छोड़ा ही आंसर तो ठीक है, बताइए आया क्या है? ये रुपए आए हैं, ये पाउंड्स आए हैं, डॉलर्स आए हैं, ये आए क्या है? ये आए क्या? नहीं सर ये यूनिट नहीं है यार, ठीक साहब ना करें, ना करें बेटा, यूनिट्स नहीं है, हमने कंट्रीब्यूशन पर बैच से बेटा डिवाइड किया, बैचेस आए हैं यार, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से बेटा अगर डिवाइड करते तो मिस्टर अतीक फिर आते बेटा यूनिट्स, ठीक है सर। तो व्हाई नॉट दीज आर यूनिट्स, बिकॉज हमने डिवाइड ही कंट्रीब्यूशन पर बैच से किए, तो बैचेस आएंगे, बैचेस मींस ग्रुप्स आए, पैकेट्स आए अभी जी, बिल्कुल ठीक है अली, सही कह रहा है हमने, लेकिन बैचेस से यूनिट्स निकालने, बिल्कुल उन्हें सही अली ने बताया। अब क्या करूं, बैचेस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? सेल मिक्स। अब इन बैचेस में एक यूनिट, हर बैच में एक यूनिट इनटू वन, हमारे पास डब्ल्यू के यूनिट्स आ जाएंगे, इनटू थ्री और इनटू फोर। अच्छा ये इनटू का साइन है, ये एक्स नहीं है प्लीज, ये एक्स नहीं कह रहा, इनटू मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये, तो मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री एंड फोर करके, सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके आपके पास W, X और Y के रिस्पेक्टिव यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। करें वर्किंग,
14,076, तो इंटू वन वही हो जाएगा, यूनिट साथ लिखें, इंटू थ्री करके 42,229 यूनिट्स आई थिंक, चेक कीजिएगा। और फाइनली मेरा ख्याल है कि 56305 यूनिट्स ओके सर, 42,008 है सर, 800 कर लेते हैं, 14076 इंटू थ्री, ठीक है, 8 है, सॉरी, ये जो बेटा आपका कंसर्न है ना कि एक एक चीज सही रहे, ये जिंदगी में हमेशा याद रखनी है। कभी भी अगर कोई गलत लिखे तो हरगिज नहीं मानना, हमेशा सच्चाई ईमानदारी का ही आपने साथ देना, क्योंकि हैं ही आप अच्छे लोग। कभी भी अगर कोई दो नंबरी कर रहा हो उसको करने नहीं देनी, रोक देना उसे, ठीक है। ये डेट इकट्ठे सर, सारे कंप्लीट है सर, ये डेट रिक्वायरमेंट वन हो गई है, देखिए जरा क्वेश्चन, क्या रिक्वायरमेंट वन इज फाइनल, रिक्वायरमेंट वन फाइनल हो गई हमारी, ये कैमरा ऑफ हो गया हमारा बच्चा क्या, है नहीं यहां से, यहाँ नहीं आ रहा, और ही नहीं किया, यहां से चल रहा था, अच्छा और ही नहीं, सॉरी, ठीक है सर, सॉरी, ये सर जी जजाके लाली जी बैठिए, भी रिक्वायरमेंट है क्या सर, क्या रिक्वायरमेंट है, भी स्पीड अप होना, स्पीड अप, ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हुए हैं, बी रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेक इवन सेल इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालें, अगर यूनिट्स बढ़ा गए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्हाट वी शुड डू, डब्ल्यू के यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट एक्स वाई, ऑब्वियसली एक और तरीका भी है उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन पहले वही करें जो होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली क्या करें, अगर यूनिट सीखना है और सेल प्राइस पर यूनिट इज अवेलेबल देन वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन अनदर वर्किंग, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट होना इंटू 12,800 इंटू 6,000 एंड इंटू 56,305 मल्टीप्लाइड बाय 3600, बड़ी बड़ी फिगर्स आएंगी, मुझे टोटल लिखवा दे बस, मैं काइंडली बता दें किस तरह मोटिवेट होंगे यार, मैं कोशिश कर लेता हूँ, नहीं यार शहबाज गलत भी करा यार, कम ऑन टोटल सही कर यार, अपने पैसे समझ के ना, ये तो आपने आधे बताए, आधे भी नहीं बताए सही, आधे तकरीबन बताए, जो मेरे तरफ बता दीजिएगा काइंडली, मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ मैं, अच्छा डब्ल्यू बस आप कर लें टोटल, मुझे मेरे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है आप टोटल लिख लेते हैं, मैं बार बार आप मुझे बस टोटल बता दो, अब आपके टोटल अगर हमारा आप मेरा आपके साथ मैच ना करे तो उसकी वजह सिर्फ ये होगी, मेरा ख्याल है कि आपने शायद यूनिट्स की राउंडिंग ऑफ मेरे साथ उस तरह से नहीं की जिस तरह शायद बच्चों ने की, आपने शायद नाइन के साथ किया होगा, तो ऐसे परेशान ना होइएगा, नहीं बेटा इससे फिगर्स ठीक नहीं आ रही, आप लोग कुछ लोगों की आप चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि तकरीबन ये फिगर, बल्कि 29 वाले जो हजरात है ना, 29 जिन्होंने एंड में लिखा था उनकी फिगर वो मुझे लगता है ज्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर मेरा ख्याल है कि मैं वर्किंग कर ही लूंगा, ऐसे मुझे अपने थाउजेंड्स में बचा लेना, 14076 इंटू 12800, अब फिगर्स बड़ी बड़ी सी हैं इसलिए अगर एक यूनिट का भी फर्क पड़ेगा तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाना, लेकिन वो काफी ज्यादा डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, मिलियंस में फिगर्स हैं, नहीं बेटा अहमद सही टोटल करेंगे,
अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 636,238,800। अगर किसका 9 है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, बाकी मैथ खाली वगैरह मैथ कुछ लोगों के टोटल्स ठीक नहीं है, कहीं जल्दी से चेक करके आगे चलो, इस पर ना टाइम वेस्ट का। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज, देख ले जिन लोगों का ठीक नहीं था, अहमद था, एक दो लोग और भी हैं, बहरहाल दो भी हैं, साथ भी था एक, जिन हजरात का सही नहीं था कांडी चेक कर लें, टाइम है जरा एक अच्छा सा सवाल और होना चाहिए। चले बेटा छोटे से जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक जरा मुझे इस डाटा से जरा सी एस रेशियो रिवाइज करवानी है आपने। अगर फर्ज करें हम ये आंसर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो, रिवाइज करें माइंड में कि बेस पे करना चाहें तो सी एस रेशियो पर बैच की बेस पे करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, याद है तो फिक्स कॉस्ट वही है 204,500 डिवाइड बाय सी एस रेशियो की वर्किंग करवाएं, सी एस रेशियो पर बैच, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर बैच स्पीड अप, कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइड बाय सी सेल प्राइस पर बैच इनटू वन, ठीक है, लिखने में लगने लगता है, पहले सोचें, ओके, कंट्रीब्यूशन पर बैच ऑलरेडी आ चुकी है 14,528, सेल प्राइस पर बैच कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा सुने, सेल प्राइस पर बैच कैसे आ सकती है, रिवाइज करेंगे जरा कल 420 कहीं 420 की कोई वर्किंग मैंने मेरे ख्याल मिटा दी थी बाद में, अगर आप कैंडी जरा इंडिविजुअली देख सकें 100 × 3 and 120 × 1 प्लीज सही सेटिंग करनी है इनमें, तो मुझे जरा करवाएं जरा ये वर्किंग इस डेटा में, 420 ढूंढ के जरा क्या करूं, 12,800 सेल प्राइस ऑफ डब्ल्यू इंटू वन, बैच का मतलब एक पैकेट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लस 6,000 × 3, तो 3 यूनिट थे एक्सपेक्टेड है कि वाई के होंगे डब्ल्यू सॉरी एक्स के, और प्लस फाइनली सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, तो अगर एक पैकेट बेचा जाएगा तो 8 यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई इन द रेशियो 1:3:4 होने की वजह से 45,200 रुपीज बन जाएंगे ब्रेक इवन सॉरी सेल प्राइस पर बैच सॉरी फॉर सेल प्राइस पर बैच, तो 45,200 × 100 कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज, इकट्ठे हो जरा, नहीं बेटा कम ऑन जैद, फिगर्स नहीं सही आ रही यार, जो मेरा आपने नहीं बताया यार मोटिवेट मैं कैसे कर सकता हूँ, माय डियर मैं तो फुल कोशिश में हूं कि आप लोग मोटिवेट हो, मुझे कोई तरीका बताएं जी, मिस्टर उमर नहीं कोई उमर साहब एक और थे मेरा उमर या उमर कोई था, उमर एक मिनट बताता हूँ जरा, नहीं उमर खालिद नहीं था, आप नहीं थे मेरे ख्याल कोई एक सिर्फ उमर था, 32 पॉइंट आप ही बता दो, मैं खालिद
मेहर साहब ने मुझे कहा था कि मोटिवेट करते रहा करें, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। सहेल साहब आप तो बेटा टेस्ट रखते मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन वो मेरे भाई जो टेस्ट का नाम सुन के ही अपने कानों में उंगलियां रख लेते हैं, उनको कैसे मैं मोटिवेट करूं। सहेल आपको तो ठीक है, सहेल साहब आपका नाम तो मुझे याद रहेगा, तो आपके लिए तो इंशाल्लाह टेस्ट ही टेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपने तो टेस्टों से मोटिवेट हो जाना। तो जरा ये नाम लिखते रहिएगा, सहेल साहब मोटिवेट होते हैं टेस्ट से, जरा लिखिए यार। तो हर बंदा जरा बता दे कैंडी से। एक मिनट ठहर दे, शुगर में शुरू हो गया। ठहर ठहर नहीं बेटा, 32.14 कैंडी प्लीज फाइनल करें। आई कैप याद करवा दें, राय मुताज साहब लिखे, राय मुताज साहब कह रहे हैं कि मुझे आई कैप याद करवा दे रहा है। नुमान गुमन साहब कह रहे हैं सर जिसकी जी, नुमान साहब अपना गोल जरा बता दें, कहते हैं जी जिसके अपना गोल बता दें, कहते हैं जिसकी जिंदगी का, नुमान साहब फरमा रहे हैं कि जिसकी जिंदगी का कोई गोल हो तो उसको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं रहती, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है जी, तो नुमान गुमन साहब जरा कहेंगे अपना जरा जिंदगी का गोल बता दें ताकि बच्चों के साथ शेयर करना। ये लिखते रहे यार जिन हजरात के नाम बोल रहा हूँ। उमैर खालिद साहब हमारे सर, आई थिंक हम लोगों को बस जी बहुत बेहतरीन बात की जी, उमैर खालिद साहब ने कहा है बेहतरीन बात है बेटा। उमैर खालिद साहब मैं शेयर करना चाहता हूँ सब सबसे जो उमैर खालिद ने कहा है। उमैर खालिद साहब फरमा रहे हैं कि अगर हम अपने डैडी को जहन में लाएं, जब वो रात को थके हारे आते हैं, और फिर ये जहन में लाएं, जो उन्होंने बात नहीं लिखी वो मैं बताता हूँ, फिर ये जहन में लाएं कि उनसे पैसे लेके हम आईकैप को फीस दे देते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आई हमारे डैडी थके हारे आते हैं हमारे लिए कमाते हैं, और हम उनके पैसों को अगर खुदा न खास्ता बार बार वेस्ट करें आईकैप को दे दे के, तो मेरा ख्याल बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि डैडी के पैसे जाया ना हो। बेहतरीन है सर जी, उमैर खाली लिखे जी। उसके बाद आई कैप याद करवाते नहीं तो हो गया, हाँ हाँ शहबाज साहब खुदा के लिए हाँ हाँ का क्या मतलब हो जी। आतिक साहब भी टेस्ट में ही मोटिवेट होना चाहते हैं जी। आकिब ये तो मेरा वाला सेंटेंस आपने बोल दिया कि हमारी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग इज करेक्ट एक्सेप्ट के स्टडी ठीक नहीं, बाकी सब ठीक जा रहा है, तो ये तो सभी को मोटिवेशन का तरीका बताना। उमैर गायब हो गया जिसने यारी पंगा लिया मेरे से। असीफा हमारे रिजल्ट, तो रिजल्ट बेटा जरा असीफ अपना जरा मुझे भेज दें ताकि मैं आपको बार बार याद करा सकूं कि आपका रिजल्ट वो था और अगली दफा भी उससे बेहतर होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है ठीक है, ये नाम लिख रहे यार मुझे बताते रहना जरा लिखें। मोदीशन साहब आपका भी मिला है, आपने कहा ही कुछ नहीं तो मिलेगा कैसे ये बारे में। खैर ये बात यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको जरा बाद में टाइम दोबारा लगा लेंगे। सबका 32.14 आगे हाला सर, ये डैडी वाली बात सबसे बेस्ट है यार, किसी सूरत भी मोटिवेट कर लें अपने आप को कि इस दफा जब डैडी से पैसे लेके आईकैप को फीस देनी है तो हरगिज वो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो क्या हम मोटिवेट हो गए माय डियर, सब लोग इस बात से मोटिवेटेड है सर कि किसी सूरत भी हमें हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत डैडी के पैसे अब वेस्ट नहीं होंगे। डन है सर, ठीक है सर जी, डन है। तो क्या हमें अगर कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया तो इंशाल्लाह हम रेडी हैं। तो एक छोटा टेस्ट मीडिया में लेना चाह रहा हूँ कि क्या अपने आप कुछ आप कुर्बान करने को तैयार हैं। कल हमारी सुबह 8 बजे क्लास होगी, अभी टेस्ट हो रहा है आपका, टेस्ट अभी पता चल जाएगा कि हम कितने के मोटिवेट हुए हैं। कल सुबह इंशाल्लाह 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो मान साहब हंसने लग पड़े जी सर जी, 8 बजे संडे को साहब, 8 बजे संडे को। अब तो ये मिशन बन गया सर जी, मिशन हो गया है, अब तो रात को हो सुबह हो दोपहर हो, हमारा मिशन है, मिशन हो गया है। ये 2 महीने जिंदगी के हमने हर सूरत जो रह गए 2-3 महीने इन्हें यूटिलाइज करना है। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है मोहसिन, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फजर के फौरन बाद हुआ करेगी। ठीक है सर, नहीं मोहसिन सिलेबस वैसे हो जाएगा, लेकिन यार आपने तो मेहनत करनी है ना यार, तो जो काम आपने संडे को पढ़ना है वो भी हम मिलजुल के पढ़ लिया करेंगे यार। चले सर जी ठीक है, आज का दिन फिर जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है कल इंशाल्लाह ये कवर भी करना है यार, 5-10 मिनट जो मैंने आपके ऐसी इस डिस्कशन में जाया कर दी। आए वापस आ जाए, जजाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी डियर। अब एक काम जरा कीजिएगा, और इसमें प्लीज थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है जिससे मैं जरा खौफजदा हो रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इसी चक्कर में फंसा लेना। सबकी सी एस रेशियो फाइनल है बेटा प्लीज,
इसमें तो नहीं इशू, अब कैन यू प्लीज ऑन द सीरियस नोट वापस आ जाए। 32.14 इज ओके। अब ये ना हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है, क्योंकि ऑब्वियसली राउंड ऑफ करना पड़ता है, पूरी फिगर तो नहीं मिल सकते। तो अगर आप ये राउंडेड फिगर की बेस पे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा, और अगर आप वो पूरा आंसर लेंगे कैलकुलेटर वाला तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें परेशानी ना हो, जरा सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है। जस्ट एक मिनट, मतलब मैं भी आपके साथ मिल जाऊंगा। 204 500 400 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली बेटा ये आएगा 636 248 491। अब ये जो मैंने आंसर निकाला ना, मैंने किया है, मैंने वो पूरा आंसर यूज किया जो कैलकुलेटर पे आ रहा था सीएस रेशो का, लेकिन आपने अगर ऑब्वियसली ये किया जो करना चाहिए था, अगर आपने वो आंसर जो राउंड हो गया है वो ठीक है, तो आपका आंसर अगर मतलब मेरे दोनों तरह से सॉल्व किए कि प्लीज एडजस्ट राउंडिंग ऑफ के लास्ट डिफरेंस आ रहा है, आपका आया होगा मोस्ट प्रोबेबली 636 280 एंड 025। तो प्लीज काइंडली इस चीज को कोई इशू ना बनाइएगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ है। इसके अच्छा इसके साथ मैच क्यों नहीं हो रहा है, उसमें भी अभी आपको अगर याद आ जाए तो ये 2928 का एक चक्कर चल रहा था, तो एक यूनिट जरा राउंड ऑफ होने से 42,000 रुपए का तो फर्क पड़ना था। एक काम जरा और कीजिएगा, जरा जस्ट एक मिनट इस फिगर से ये जो मैंने लिखी है आपकी, ये ज्यादातर होगी और होनी चाहिए ये वाली, इस फिगर से जरा मुझे एक मिनट ये याद करवाएं कि मैं बैचेस कैसे बनाऊं। बैचेस क्या करूं बैचेस बनाने के लिए, जस्ट एक मिनट शायद मैं बात फर्दर सही समझा सकूं। बताएं इससे बैचेस कैसे बन सकते हैं, कोई फिगर बोल दें। ठीक है शबाद आपने सही कहा, कोई फिगर बोलें, फिगर नहीं सर, ये एट पे नहीं अली रजा, एट पे नहीं होना, ये रुपीज है मैडियर, ये रुपीज है माइडियर। नहीं असीब ऐसे नहीं है, इस अमाउंट को किससे डिवाइड करके बैचेस निकाल लूं। सेल ये ब्रेक इवन रुपीज है, सेल को रुपीज है, ये बैचेस इनटू सेल प्राइस पर बैच हुआ है। इसको बेटा प्लीज फाइनल करें। नहीं 14,528 नहीं है, ये तो कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं आप, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है मोहसिन, ये कंट्रीब्यूशन की अमाउंट नहीं है, ये सेल की अमाउंट है। तो डिवाइडेड बाय जिन हजार के मैंने नाम बोले खासतौर पर, क्लियर है, प्लीज डिवाइडेड बाय 45,200 सेल प्राइस पर बैच, बताएं फाइनल करें। ओके कंफ्यूजन थ्री इसमें, तो डिवाइड बाय करें 45,200। अब ये देखें ये जो बैचेस आ रहे हैं ना हमारे पास 14,077 बन रहे हैं अगर राउंड करें तो, एक बैच का मसला है, तो एक बैच के तकरीबन 45,200 रुपए का फर्क पड़ा हुआ है हमारी इस वर्किंग और इस वर्किंग में। अब 36 मिलियन मीन 63,62,000 रुपए है, और उसमें सिर्फ 45,000 का डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ आ रहा है। आई होप कि मैं जो बात करना चाह रहा हूं कि ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है आपको अंडरस्टैंडेबल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ टू डू इट। जी इस कॉन्टेक्स्ट में 45,000 रुपीज इमटीरियल फिगर है, इमटीरियल या मटीरियल और इमटीरियल का जो भी आपने डिसीजन लेना होता है वो विद द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन करना होता है। अब ये 63 मिलियन समथिंग फिगर है, बल्कि 636 मिलियन, सॉरी ये 63,62,00,000 अपने पैसे समझ के गिने जरा, और अगर उसमें से 45,000 इधर उधर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के सोचिएगा, कोई मसला नहीं है। ये ना हो कि टेंशन में डॉक्टर के पास जाए और खुदा ना खासा डॉक्टर को सारे पैसे पकड़ा दे,
टेंशन का इलाज कराते कराते, तो 45,000 इज जस्ट इनसिग्निफिकेंट माय डियर। मेरा ख्याल है हम बात आगे बढ़ाएं, क्या ख्याल है? चले आगे। आप इस तरह करें, एक क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं और मेरा ख्याल है कि 10 मिनट आपको मैं देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायरमेंट 1, ये जरा खुद से करें, जरा डेटा अवेलेबल है, ये जो स्टेप्स हुए हैं, मैं खामोश इसलिए हूं कि आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, और अगर मैं लिख भी रहा हूंगा कहीं तो सिर्फ वो इसलिए कि मैच हो जाएगा, और मैं खामोशी से अगर लिख रहा हूंगा तो ऑब्वियसली मेरी आवाज डेफिनेटली फिर आपको नहीं आएगी, तो ऐसे परेशान होइएगा। अब आप इंडिविजुअली काइंडली क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायरमेंट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक लफ्ज है, शायद आया तो है पहले, जस्ट एक मिनट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए जैसा होता है ना कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन, अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन मींस नथिंग, प्रॉफिट ही की बात हो रही, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मींस ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन मींस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली मींस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जिस तरह वो सी एस रेशो के लिए एक नाम आया था फर्स्ट पेज पे, सी एम रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, ठीक है, तो मार्जिन मींस नथिंग, इसको जरा हाईलाइट करके लिख लीजिए, मतलब एज सच सिंपली कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस कंट्रीब्यूशन की बात हो रही, लेकिन बेटा जरा कंप्लीट कीजिएगा इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट, जस्ट एक मिनट जरा मेरे से मैच कर लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है, सेल मिक्स अवेलेबल है, ये ठीक है, बैचेस से बनाए हैं जरा यूनिट्स।
5128 ही होगा यार अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो, 16 प्लस 9 प्लस 14 ही है ना, 39 ठीक। और यहां से अगर यूनिट्स बनाने हैं तो ये ज़हन में सेटिंग करें जरा, अब यूनिट्स अगर बनाने हैं बैचेस से तो मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन सेल मिक्स इनटू 4 इनटू 3 इनटू 7 तो रिस्पेक्टिव फिगर्स आर 20,000 512 15384 35 896 ठीक है सर। और अगर फॉर एग्जांपल यहां से रुपीस बनाने हो तो इनटू 10 इनटू 8 सेल रुपीस इनटू 11, वैसे मेरा ख्याल है क्वेश्चन में सच एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं है, सिंपली वगैरह ब्रेक इवन पॉइंट इन टोटल एंड फॉर ईच प्रोडक्ट। अब ये सिर्फ यूनिट्स मांग रहा है, रुपीस कोई सच क्लैरिटी नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर देखते हैं, तो 205120 123072 123072 एंड 394 ओके सर, ये टोटल 73048 या जो भी है। कट्ठे हैं सारे नहीं, सेकंड बड़ा होमवर्क रख लें, ये छोटी सी बात रहा होमवर्क में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले इधर हम जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं ताकि अमाउंट आ जाए, यूनिट्स को सेल पर इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ब्रेक इवन अमाउंट भी आ जाए। मेरा ख्याल है क्वेश्चन देखें तो यूनिट्स नहीं मांगे हुए, उसने कुछ स्पेसिफिक ही बताया नहीं कि वो क्या मांग रहा है। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट इफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन टोटल और रीच प्रोडक्ट कह रहा है, कोई यूनिट्स का भी वर्ड नहीं है मेरा ख्याल, तो मैंने इसलिए फिर यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट भी कैलकुलेट कर दी क्योंकि शायद क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जी सर जी, आप आइएगा जरा कंटिन्यू थोड़ा सा आगे, पेज नंबर आपके पास होगा बुक का 41, जरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आए फिर वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले जरा ये जो बात हो रही है इसी का मेरा ख्याल है लेट्स ट्राई टू कंप्लीट। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो, मैकियाटो प्राइवेट लिमिटेड समथिंग, जी मिल गया प्लीज, मिल गया सर, कैंडी बताइएगा प्लीज पेज मिल गया क्वेश्चन नंबर 5।
ये डीएफ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। ब्रेक सेल रेवेन्यू मींस ऑब्वियसली मेरा ख्याल सेल के रुपए, तो अगर यूनिट्स निकाल भी लेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस सब करेंगे, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में मांग रहा है। सेकेंड रिक्वायरमेंट ब्रेक है, डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वलन टू 10% ऑफ बजटेड सेल्स। तो बताएंगे जरा बी रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है, बाकी तो ठीक है वर्किंग तो देखते हैं। मांगा क्या उसने, किस चीज के नंबर ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स मांग रहा है, ब्रेक इवन मांग रहा है या प्रॉफिट की मांग रहा है। हाँ जी, टारगेट प्रॉफिट की कुछ वर्किंग है। हाँ जी ये ठीक है, वो अभी फिगर्स देखते हैं। सही कह रहे हैं, आए फर्स्ट लाइन से शुरू करें। फुल कंसंट्रेशन, कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स एंड रग्स द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम projected statement of profit or loss of the new business are given below. A projected statement of profit loss obviously means budgeted. Budgeted statement of profit or loss. क्या क्या दिया हुआ है और से देखें, सेल दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भी इन्वॉल्व है सर, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शायद ये डाटा हमें गिवन है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से, लेकिन हमारी ये सारी बहस होनी है मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो कंसंट्रेशन फुल रखनी पड़नी है। सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट एंड रग्स वुड बी 24,000 पर यूनिट्स वुड बी विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 75% एंड 25%। Contribution margin means CS ratio, please. What is the meaning of this 25%? Very important. What is 100? Sale. What is 25? Contribution. What should be variable cost? 75. Or rugs ke angle se, what is 20? Contribution. What is 100? Sale price. And what should be 80? Variable cost. Theek hai, okay. Beta, padh ke. ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हमजा कम ऑन। देन बेटा वो कहते हैं कारपेट्स एंड ड्रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशियो 1:4, 1:4, 1/5, 4/5, एक मिक्स भी दिया हुआ है। यहां से पता ही चला है इनिशियली पढ़ के कि ये सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन नहीं है, मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन है। देयरफॉर फुल कंसंट्रेशन, एक एक बात जहन में सही सेट करें। अगर हमें ब्रेक इवन निकालना है तो हमारा फार्मूला शुड बी, डिफाइन द फार्मूला, व्हाट शुड बी द फार्मूला ब्रेक इवन सेल्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है। मेरी सजेशन वैसे ये है कि इनिशियली अगर आपने सेल्स तक पहुंचना भी है तो पहले जरूर ये ट्राई करें कि यूनिट्स निकाल के मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस करके सेल आ जाए। ऑफ कोर्स अगर यूनिट्स का डाटा ना मिल सके तो फिर हम सीएस रेशियो की भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीएस रेशियो जो है वो अमाउंट्स की बेस पे भी आ जाती है। बिल्कुल सही आपने बेटा कहा है। मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले ये करें कि ब्रेक इवन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इनिशियली आप यूनिट्स में ही ट्राई करें और यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अगर यूनिट्स की इंफॉर्मेशन ना मिल सके हमें कहीं तो फिर हम ऑब्वियसली सीएस रेशियो की तरफ जा सकते हैं। जी वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना माविया साहब, बात आपकी ठीक है, दोनों से कर लेंगे हम, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से नहीं करना, टाइम वेस्टिंग है। तो अपने जेब में कोई चीज बस सेट करने के, मतलब मेरी सजेशन ये है कि यूनिट्स निकाल के सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर यूनिट्स ना हो
फिर ऑब्वियसली हमें सी एस रेशियो की तरफ से आना पड़ना है रुपीज निकालने के लिए। तो इस तरह की बातें अब शुरू होंगी, आपसे बस कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। तो इनिशियली मैं करूंगा क्या, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज तक तो मुझे पहुंचना है, आज उन सेफ्टी बीसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो ये शायद पार्ट एक में फर्स्ट काम कर रहा हूं मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाद में कैलकुलेट करता हूं। अब फार्मूला डिफाइन करें, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मैं पहुंचना तो चाहता हूं यूनिट्स तक, लेकिन अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सिचुएशन है तो मैं फाइंड आउट पहले करूंगा बैचेस बाय डिवाइडिंग कंट्रीब्यूशन पर बैच। जी डियर, मेरे कुछ वर्ड समझ आए जो मैंने बोलना है, नीड योर रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए हाफ को पेज रख लें, इसके नीचे या फुल पेज ही बल्कि रखते हैं, रिक्वायरमेंट पे बी भी है, इसी के साथ ही करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में खुला खुला कंसंट्रेशन से सोच समझे के स्टोरी आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हमें चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच शुड बी सम ऑफ, विच शुड बी सम ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई मेरी हेल्प करें, मैं कैसे कर सकता हूं। मेरा तो ख्याल है टोटल फिक्स कॉस्ट है कंडी, ये दोनों फिक्स कॉस्ट ही क्या, कुछ यहां भी वेरिएबल होगी, कुछ यहां फिक्स होगी, कुछ यहां भी वेरिएबल, कुछ यहां भी फिक्स, पॉसिबल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ वेरिएबल सेलिंग भी हो सकते हैं। ना ना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपके पास कुछ करना पड़ना है, लेकिन अधिक शायद ये नहीं पॉसिबल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल सेलिंग भी होंगे, वेरिएबल फिक्स भी होंगे, सॉरी वेरिएबल सेलिंग एडमिन के साथ साथ फिक्स सेलिंग एडमिन भी होंगे। पहले तो ये बात हजम करें, जो मैंने ये लिख दी है कि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है, इट शुड बी कम्बिनेशन। यहां तक बात समझ आ रही, कंबिनेशन है ये, और वी नीड सेग्रीगेशन। सर वो करते हैं, मुझसे वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, बेटर कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कैसे करेंगे माय डियर, मैं नहीं अभी पूछ रहा, मेरे भाई एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने कहा मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। आई रियली अप्रिशिएट के करेंगे कैसे, बिल्कुल आप जैसे बताएंगे, एज अ फर्स्ट स्टेप आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे कुछ सजेशन दी गई हैं, ये रुक जाना ठीक है, मुझे कुछ सजेशन दी गई है, वो जरा सुने, पॉसिबल है या नहीं। मुझे एक सजेशन मिली है कि सेपरेट कर लें बाय हसीब, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद नसीब के जहन में भी, लेकिन एक और सजेशन में से एक मिनट ठहर जा बेटा, एक मिनट ठहर जा, जस्ट अ मिनट। मुझे एक सजेशन मिली है हाइलो मेथड की। हाइलो मेथड बेटा कब यूज हो सकता है, जब कम से कम दो लेवल्स हो, एक हाईएस्ट लेवल हो, एक लोएस्ट लेवल हो। एक नजर जल्दी ही भाग के देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हाई लेवल पॉसिबल हो गया था, भागे 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 क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे, क्वेश्चन नंबर थ्री एमरल्ड क्यों पॉसिबल हो गया था हाई लो, क्योंकि दो लेवल से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2। देखें 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 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4 भाग के जाएं, दोबारा देखें। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें जनवरी के भी मिल गए थे फरवरी के साथ साथ, तो दो लेवल्स बन गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ के साइड पे करें,
वाई वी कैन नॉट यूज साइलो मेथड इन द स्टोरी बताएं, क्योंकि बेटा हमारे पास लेवल्स अवेलेबल नहीं है, बस एक ही लेवल अवेलेबल है, एक ही डाटा है, वी ओनली हैव वन डाटा, ठीक है। नंबर टू जाती है बेटा इस तरह से, प्लीज पहले मुझे चांस दे, जो अभी रुक गया अभी कोई ना प्लीज आंसर है, कुछ ना सजेशन आए, प्लीज कोई सजेशंस ना आए, पहले प्लीज जो सजेशंस आ गई माय डियर, एक मिनट उनको जरा एड्रेस कर दूं, सब लोगों ने अच्छा सोचा है लेकिन उनमें क्या क्या इश्यूज है, लेट मी फिनिश। अतीक साहब ने कहा है कि 360 उठाया जाए, 360 उठाया जाए और 75% से मल्टीप्लाई किया जाए। अतीक साहब की बेटा ये बात सब लोग सोचते हैं लेकिन बात सही है कि अगर 100 सेल है, 100 सेल है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% है, ठीक है। लेकिन अतीक साहब इसमें दो इश्यूज है बेटा, अब ये जो डाटा दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का, इसमें टोटल फिगर्स मेरा ख्याल आ रही है, टोटल है सब कुछ आपके सामने, और इसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं, रग्स एंड कारपेट्स। इसमें सिर्फ 75% ये नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि ये वेरिएबल कॉस्ट भी तो आ रही है 80% वाली। ये अतीक साहब आप फाइनल हुए, और सर जी लीनियर रिग्रेशन कब लगती है, हामिद भाई बड़ा इसरा भी नहीं यार, अंधाधुंध तो नहीं बताना। लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला भी कब यूज होता है, जब कम से कम कुछ लेवल्स अवेलेबल हो यार, हम ऑन एक्स वाई का एक टेबल बनता है, एक्स और वाई, एक्स एक्टिविटी लेवल, टोटल कॉस्ट, लेवल्स अवेलेबल होते हैं यार उसमें भी। एक सेकंड मुझे बस रुक गया, अभी फर्दर कोई क्वेश्चन है मुझे जरा पुराने देखने। 5 लाख का शहबाज जो आपने बेटा बताया उसमें भी यही इशू है, 5 लाख का 25%, इस 5 लाख में सिर्फ कारपेट्स तो नहीं है, इसमें रग्स भी हैं, आपको समझ आता है शबाज? जी 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 वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकेगा जो आपने पहले सजेस्ट किया है, जो आपने अभी बताया शायद ये पॉसिबल है, तो इसकी मैं बाद में एंड में बात करता हूं, जस्ट एक मिनट, जस्ट वन मिनट एंड। हाँ जी जहाब आप सही पहुंचा है, जहाब सही पहुंच गया, कंट्रीब्यूशन दे गई दी गई है, ठीक है। सेग्रीगेशन बेटा इंशाल्लाह पॉसिबल तो है, वो इशू नहीं है, नहीं। असलाम बेटा आपने जो कहा है थोड़ा सा आपने बस बात तकरीबन कर दी है, लेकिन मिस्टेक वही है जब भी थोड़ी देर पहले है, पहले हुई थी। देखिए ये जो 5 लाख आप कह रहे हैं ना, ये बेटा यूनिट्स नहीं है, ये रुपीज है, और ये जो 1/4 दिया हुआ ना, ये कारपेट्स और रग्स विल बी सेल इन द रेशियो, ये क्वांटिटी की रेशियो है, तो शायद वो काम हो सकता है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है मैंने, क्या किसी तरीके से नहीं बेटा, वो तो सेल वो तो और चीज है, वो और चीज है जो आप बात कर रहे हो ना, वो और चीज है जो थोड़ी देर पहले, मीन्स हम अपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे थे, 5 में, सॉरी एक मिनट, 5 में वापिस आएंगे, जल्दी जल्दी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जब एंड में आपने सीएस रेशियो से ये आंसर मुझे एक बताया था, तो ये डिवाइड बाय से बैचेस बन मिल गए थे, और बैचेस अगर मिल जाएं, तो फिर हम सेल्स मिक्स से क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं, और जब क्वांटिटी तक पहुंच जाएं तो फिर उसके बाद आप कस्टमर वापस जाएं, फिर क्वांटिटी अगर मिल जाए, हमारे पास सीएस रेशो है, उस सीएस रेशो को यूज करके हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर करके कुछ अपना काम चला सकते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है कैंडी? एक मिनट कैंडी बताइएगा आवाज कैसे, तो नहीं
आवाज का कहानी बताइएगा, आवाज का इशू तो नहीं बना सर, प्लीज सब बता दीजिएगा ताकि मुझे जरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि मेरी बातें रस्ते में नहीं रहेगी। जी रियल वापस आइएगा फिर फाइनली, सॉरी कहना मैं कुछ ये चाह रहा हूं कि जस्ट वन मिनट मैं जरा बात पूरी कर दूंगा। टोटल फिक्स कॉस्ट मीन सम ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल है इस वक्त। तो टोटल कॉस्ट इज $360 मिलियन। अच्छा ये डेटा थाउजेंड्स में, तो ऑब्वियसली थाउजेंड्स में किया तो जा सकता है लेकिन बाद जरा पूरी समझ मेरे ख्याल ऐसे ही कि हम जीरोस के थोड़ा फाइनल रह जाए। तो 360 मिलियन प्लस 90 मिलियन, तो यहां से बड़ा अगर आप सम करेंगे तो ये बनेगा टोटल 45 मिलियन। अच्छा हम क्योंकि ब्रेक इवन पे बात कर रहे हैं, ब्रेक इवन जी वो सब कुछ हो जाएगा, अभी सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम इस टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट किसी ने ढूंढ के, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के अगर इसमें से लेस कर लें तो शायद हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये ठीक है मेरी बात, टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस हो जाए तो हमारे पास इंशाल्लाह टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ओके सर जी, ना करें अभी करते हैं, ठीक है एक मिनट आ जाए कर लेते हैं, वो इशू नहीं है, जस्ट वन मिनट जी। 450 मिलियन 360 मिलियन प्लस 90, 450 मिलियन, सॉरी नहीं वो सब कुछ हो जाएगा, वो ये इशू नहीं है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिल सकती है, अगर हम कारपेट्स और रग्स के यूनिट्स तक पहुंच जाएं तो हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज भी अवेलेबल है। तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएं तो हम सेल प्राइस में से सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंशाल्लाह भी मिल जाएगी हमें, मसलन अगर हम फॉर एग्जांपल एक मिनट देखना चाहें तो 24,000 लिखें और इनटू 0.75 18,000, 4,000 इनटू 0.8 3200, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें इंशाल्लाह मिल जानी है। और अगर किसी तरह यूनिट्स मिल जाएं तो इंशाल्लाह हम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। अब यूनिट्स कैसे मिल जाएं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो 5 लाख रुपया रेवेन्यू है, सेल रेवेन्यू है, ये क्योंकि मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन है इसलिए नंबर ऑफ बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच से बना होगा, बैचेस इनटू सेल प्राइस पर बैच से बना होगा। तो ये मेरी ये बात कुछ समझ आती है यहां से, तो किसी तरह अब जो नीचे हमारे पास डेटा अवेलेबल है ये सेल प्राइसेस का और रेशो का, क्या हम सेल प्राइस पर बैच, सेल प्राइस पर बैच फाइंड आउट करने की पोजीशन में हैं? बिल्कुल हैं।
कैसे आए, जरा लिख के फाइनली कोई वर्किंग कर लें। अभी इसके नीचे भी स्पेस रख लें, तो वर्किंग नंबर टू बनाएं, खुला खुला चार पांच छह लाइनें नीचे रख लें। हम क्या करने लगे आप लिख लिख के, सेल प्राइस पर बैच फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे, सेल प्राइस पर यूनिट उठाएं मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस पर यूनिट उठाएं 4000 मल्टीप्लाइड बाय फोर इज इक्वल टू आई थिंक 40,000 पर बैच। जी ठीक है सलमान, ऐसे ही हो रहा है आई थिंक। देन माय डियर 40,000 पर बैच है, 500,000 रुपए सेल है, 500,000 मीन्स 500 मिलियन डिवाइडेड बाय, वो पॉइंट्स वगैरह में आंसर आ जाएगा, मैं उसमें जरा नहीं आपको फंसाना चाह रहा, डिवाइड बाय बैचेस कंट्रीब्यूशन पर बैच, सॉरी सेल प्राइस पर बैच, 12,500 बैचेस आ जाएंगे। लेकिन प्लीज ये अभी हमने बजटेड उठाया है, तो ये बजटेड डेटा आ रहा है, ये बजटेड बैचेस आ रहे हैं, ऊपर एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट के बेस पे वर्किंग है। तो फाइनली क्या बेटा, इन बैचेस को इनटू वन और इनटू फोर करके कारपेट्स और रग्स के यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। $12,500 units and 50,000 units कंसंट्रेशन से देखें। अब फाइनली बता दें, बात सबको क्लियर हो गई है, लिख लें, लिख के फाइनल कर लें और मुझे अब जरा बता दें कि कोई कंफ्यूजन रह गया तो, क्योंकि सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, असीम साहब 1:4 रेशो दी हुई, क्वेश्चन के एंड में एक रेशो बताई हुई है। ताकि बैचेस से यूनिट्स बन जाए, 12,500 बैचेस हैं, हर बैच में एक कारपेट है, चार रग्स हैं, तो बैचेस से यूनिट्स ही बनाने, सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके। सर ये यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ना यार, तो बैचेस से सेल मिक्स को मल्टीप्लाई करके यूनिट्स बनाते हैं, जितना भी बना रहे थे हम लोग। अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो बैचेस से सेल मिक्स बना के ब्रेक इवन के यूनिट्स निकाल लें, और अगर बजटेड है तो मल्टीप्लाई 1:4 करके यूनिट्स निकाल लें। हमारे पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, तो यूनिट्स अगर होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है सर, जी प्लीज नोट इट। नोटेड है सर, माइंड अप करवा दे रहे हैं। देन सर ये अगर ये बिट्स आ गए हैं तो गौर से देखें यार, ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 24,000 सेल प्राइस है, इनको ऑफ कोर्स आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, 75% वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, 50,000 इंटू
4000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी सेल प्राइस पर यूनिट है, इनटू 80% करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बात फॉलो करें पीवी, जी 1.1 डिवाइड बाय 5 नहीं हो सकता, ये क्वांटिटी की रेशियो है, ये क्वांटिटी की रेशियो बना रहे हैं आप, क्वांटिटी की रेशियो 5 लाख में क्वांटिटी की रेशियो नहीं है, 5 लाख के अंदर रेवेन्यू की रेशियो, रेवेन्यू है रेशियो में। अगर आपने वैसे करना है तो शायद ऐसे करें, 5 लाख इंटू 24,000 डिवाइड बाय 40,000, ठीक है हमजा, ठीक है हमजा सजी, 75% इसलिए मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है यार, प्रिया साहब ये की बात हो रही है, सेल हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 25% कंट्रीब्यूशन है तो 75% वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर 20% कंट्रीब्यूशन है रग्स की तो 80% वेरिएबल कॉस्ट है यार, हम ऑन सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है रियाज साहब, मोहम्मद रियाज जी डियर, 12,000 इंटू इंटू करके आपके पास कुछ फिगर्स आती जाएंगी, और मेरा ख्याल है कि ये टोटल फिगर्स या इंडिविजुअल फिगर्स, और बेटा राय मुताहिर मैंने सेल प्राइस से नहीं मल्टीप्लाई किया यार, प्लीज मेरे भाई ऐसे कैसे बात हो सकती है, मैंने इंटू 75% भी किया, मैंने वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया यार, सजी प्लीज टेक इट सीरियस यार, इस तरह कैसे हो सकता है काम, मैंने प्लीज सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, जी सर ये टोटल आई थिंक मेरा ख्याल आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का सम 3,385,000,000, टोटल लिख रहा हूं मैं, और फाइनली फिर आप फिक्स कॉस्ट का टोटल निकाल सकते हैं एज अ डिफरेंस, मेरा ख्याल 65,000,000, ठीक है फाइनली, एनी कंफ्यूजन, ये मिस्टर राय बताए फाइनल कर दिए सर, सर जी मायूस कौन सवाल आते हैं सर, ये 65,000,000 तक सब इकट्ठे हैं प्लीज, वर्किंग कंप्लीट है यहां तक, नोट कर लिया सर, उठाए फिगर, टोटल फिक्स कॉस्ट हमें चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह 65,000,000 मिल गई है, अब टाइम है अभी 10 मिनट है कंट्रीब्यूशन पर बैच की तरफ, वर्किंग नंबर 3 कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालनी तो है, लेकिन व्हाट आर द स्टेप्स, पहले निकालें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं वर्किंग टाइम बनाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कर सकते हैं, 24,000 इंटू 25%, सोचे सोचे कैंडिडेट्स, एंड सिमिलरली 4,000 इंटू 20% रिस्पेक्टिवली,
आई थिंक 6,000 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आईवी डिफरेंस भी लिया जा सकता है एंड 800 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए तो अगला कदम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर बैच अगर फाइंड आउट करनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स 1:4 जी 9,200 पर बैच तक पहुंचे हैं। आई होप कि कुछ जेन बोल रहा है प्लीज, गेम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट नाउ। ओके 9,200 पर बैच फाइनल है बेटा, सबने क्लियर हो गया, सबने सबने कर लिया प्लीज, समझ के कर रहे हैं प्लीज सर, कहीं मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ। अब आप लोगों ने जो अदरवाइज सजेशंस दी थी, मैंने कोशिश तो की है उनके आंसर्स दे सकूं, क्लियर है कि हम उन तरीकों से कैसे नहीं कर सके। आप लोग बार बार एक सजेशन मुझे दे रहे हैं, 500 मिलियन जो है ना बेटा, ये रुपीज है, इन रुपीज में सिर्फ क्वांटिटी नहीं आ रही, इन रुपीज में क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस भी हो गया हुआ है, तो वी कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई 1/5, वो क्वांटिटी की रेशियो है, हमें रेशियो बनानी है रेवेन्यू के एंगल से, ठीक है। तो रेवेन्यू से डिवाइड करके आपने पहले बैचेस फाइंड आउट किए, वो आपकी मर्जी है शबाज, वो तो डेफिनेटली बहुत सी चॉइसेस हैं, हमें कंट्रीब्यूशन लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, वैसे ये क्लियर रखें, हम निकाल सकते हैं उसमें, मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है, निकाली जा सकती है। जरा एक मिनट ये वाला स्टेप कम से कम माइंड अप कर ले जरा, अब हमें कंट्रीब्यूशन पर बैच मिल गई है तो फाइनली जरा बैचेस और यूनिट्स तक आ जाए, 9,200 से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ बैचेस आपको मिलेंगे आई थिंक वंस अगेन कोई राउंड ऑफ फिगर करनी पड़ेगी शायद 65 मिलियन डिवाइडेड बाय 9,200 7,065 बैचेस अप्रोक्सीमेटली एंड बैचेस से फाइनली इनटू 1 और इनटू 4 करके क्या निकलेगा, क्यों किया जा रहा है, सेल मिक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ताकि हमारे पास फिर यूनिट्स भी आ जाए। तो इनटू 1 से तो बेटा वही बनेंगे 605 कारपेट्स और इनटू 4 करके रग्स बनेंगे 28,620 समथिंग रग्स, और क्योंकि उसने ब्रेक इवन सेल रुपीज मांगे तो देन मल्टीप्लाइड बाय प्लीज फाइनल करें ध्यान में, इनटू सेल प्राइस पर यूनिट एंड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूं मैच के लिए, कब साहब 169,560 1,34,404,040 000 ब्रेक इवन सेल रुपीज, और फाइनली अगर इसका टोटल कर दिया जाए 282,600,169,560 ठीक है 260 करेंगे 7,065 ठीक है मैं सही करता हूँ इंटू 4 260 सॉरी
एंड 260 इनटू 4000 से आंसर ठीक है आंसर अच्छा ठीक है 260 ठीक है बाकी तो नहीं कोई कंफ्यूजन फाइनली इसका एक टोटल अगर कर लिया जाए टोटल ठीक है टोटल ठीक है सर अच्छा इसकी बी रिक्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेकिन आपने उठते उठते एक छोटा सा काम करना है कैलकुलेटर पे एक आपका आंसर फाइनल आया हुआ लिखे जरा इकट्ठे है सारे बता दीजिएगा जरा एक आध मिनट मेरी बात कंप्लीट सुन के उठना जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज नोट करके बता दें जी डियर ये जो फिगर आई है ब्रेक इवन रुपीज की फर्ज करें मैं इससे बैचेस बनाना चाहता हूं रुपीज है ये ब्रेक इवन रुपीज मैं क्या करूं कोई फिगर ढूंढ के बता दे बस फिगर बतानी है आपने क्या करूं क्या करूं ब्रेक इवन सेल रुपीज है ये ठीक है सबने बताना है मुजाहिद साहब ठीक है उस्मान अब्दुल साहब ठीक है जी बताते जाए ठीक है ठीक है ठीक है स्लो है स्लो है स्लो है स्लो है टू स्लो है सर ये ठीक है नहीं बेटा डिवाइड बाय फाइव नहीं होना प्लीज फाइनल करें हमार हामिद सॉरी ये बेटा क्वांटिटी नहीं है अमाउंट है और नहीं सर जी वो बैचेस तो निकालने उमैर खालिद साहब बैचेस निकालने मेरे ये बता दिए बैचेस अगर मैं बैचेस से डिवाइड करूंगा तो कुछ आएगा तो मैं तो बैचेस निकालना चाहता हूँ डिवाइडेड बाय मिस्टर हामिद 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 और नहीं सर जी कंट्रीब्यूशन से डिवाइड नहीं कर सकते रिया साहब ना करें सर जी अब ये बातें ना करें ये रुपीज है सेल के रुपए हैं ये कंट्रीब्यूशन के रुपए नहीं है मिस्टर हामिद वेयर इज मिस्टर हामिद फाइनल बताएं सर जी मिस्टर हामिद वेयर इज मिस्टर हामिद सेल प्राइस पर बैच करना है डिवाइड बाय फाइव नहीं हामिद हामिद भाई भी हो गए बेटा कंट्री अब मुझे कंट्रीब्यूशन बता दिए ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ी होनी हामिद पहले मुझे फाइव बताया आप मुझे कंट्रीब्यूशन बता दिए सेल रुपीज है तो प्लीज डिवाइडेड बाय 6000 नहीं 40,000 ढूंढे रेवेन्यू पर बैच टू गेट बैचेस और अगर बैचेस आ जाए तो इनटू वन और फोर करके कारपेट्स और रग्स भी आ सकते हैं तो प्लीज डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच दिस इज सेल है सर ठीक है क्लियर है मेरी बात घर के लिए आज क्यों कुछ नहीं है बस वैसे तो एक वो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है अच्छा कल क्लास मैंने भी वैसे ही कही है आप लोग टेस्ट की तैयारी करें मंडे को टेस्ट दीजिएगा कल क्लास नहीं है जब होगी तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करके रखेंगे तो मीन वाइल कल क्लास नहीं कल मैं मेरा ख्याल है किसी और को तंग करूंगा अभी आप एक हफ्ता भी रहने दें आप लोग कल टेस्ट की तैयारी करना ठीक है अल्लाह हाफिज़